दोस्तों आईपीएल के 13वें सीजन में रोमांच छाया हुआ है। क्रिकेट फैंस इस समय तो पूरी तरह से आईपीएल के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। आईपीएल के इस सीजन में अभी तो दूसरा ही हफ्ता चल रहा है, जिसमें कुछ टीमों ने अपने प्रदर्शन से खास प्रभावित किया है। इसमें दिल्ली कैपिटल्स की टीम अपने पहले दोनों ही मैचों में शानदार जीत के साथ बढ़ती जा रही थी, लेकिन मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स की टीम को लगातार 2 जीत के बाद सनराइजर्स ने उनके विजय रथ को रोक लिया। दिल्ली कैपिटल्स को अबू धाबी में खेले गए अपने 3रे मैच में हार का सामना करना पड़ा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में खेल रही दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अपने पहले दोनों ही मैच जीते। इस मैच में वो अपने पहले दोनों ही मैच में हार का सामना करने वाली सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैदान में उतरे थे, जहां उनके जीत की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स को सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी पहली हार के लिए मजबूर कर दिया। सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों 15 रन से हार के अलावा इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर को एक और झटका लगा है। दरअसल इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपने गेंदबाजों से 20 ओवर तय समय पर नहीं करवा सके। उन्होंने 20 ओवर कराने में 23 मिनट का ज्यादा समय लिया, इस कारण से उन्हें धीमी ओवर गति का दोषी पाया गया। श्रेयस अय्यर को स्लो ओवर रेट के कारण जुर्माना लगाया गया है। उन पर इस जुर्माने की एवज में 12 लाख रुपए चुकाने होंगे। वैसे दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से इस तरह की गलतियां पहली बार हुई है। आईपीएल की विज्ञप्ति में इसे लेकर कहा कि चूंकि ये आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट के तहत इस सीजन में मिनिमम ओवर रेट से संबंधित पहला मामला है, इसलिए मिस्टर अय्यर पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मतलब दोस्तों अब हार के कप्तान श्रेयस अय्यर को 12 लाख रुपए देने होंगे।